बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप एवरी वन इज़ फाइन। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने बैग में ज़रूर पैक करनी है व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम इंडिया टू यूके। गाइस, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो यहाँ आके मुझे रियलाइज़ हुई कि मुझे ये सब चीज़ें अपने साथ ज़रूर लानी चाहिए थी। तो गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो माई नेम इज़ हरदीप कौर एंड आई लिव हेयर इन यूके इन कैम्ब्रिज सिटी विद माई हस्बैंड एंड विद माई डॉटर। एंड आई रिसेंटली मूव टू यूके लाइक 6 मंथ्स बैक। या सो शुरू शुरू में यहाँ पे जब मैं आई तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पहले पता होती तो आई थिंक बहुत सही रहता मेरे लिए। तो ये वीडियो मैं उन सभी लोगों के लिए बना रही हूँ जो यूके आने के लिए प्लान कर रहे हैं या इन फ्यूचर करने वाले हैं। सो गाइस शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं देर आर डिफरेंट कैटेगरीज जिसके अंडर मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लेके आनी है। द फर्स्ट कैटेगरी विल बी किचन। या किचन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आर हाउस होल्ड। सो किचन में सबसे पहली चीज़ है प्रेशर कुकर। यस गाइस, हमारे इंडियन कुकिंग प्रेशर कुकर के बिना तो अधूरी है भाई। तो प्रेशर कुकर तो हमें ज़रूर साथ में लाना है। बेशक छोटा सा लेके आइए क्योंकि यहाँ पे आपको प्रेशर कुकर जैसा आप इंडिया में यूज़ करते हैं वैसा तो नहीं मिलने वाला। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कुकर यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुकर आपको यहाँ नहीं मिलेगा, मिलेगा बट बहुत ही कॉस्टली होने वाला है। यहाँ पे किचन यूटेंसिल्स का रेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो इट विल बी गुड अगर आप साथ में एक लेके आ सकते हैं। तो सेकेंड थिंग विल बी चकला बेलना। यस गाइस, हमें यहाँ पे रोटियाँ तो ऑफकोर्स बनाने वाले हैं तो रोटियाँ बनाने के लिए चकला बेलना लगेगा जो यहाँ पे आपको शायद नहीं मिलेगा या बहुत मुश्किल से ढूंढने पे मिलेगा। तो चकला बेलना इज़ मस्ट। एंड द थर्ड थिंग इज़ रोटियाँ सेकने के लिए हमें चाहिए एक तवा। यस गाइस, एंड मेक श्योर कि ये सभी जो चीज़ें आप ला रहे हो वो सभी इंडक्शन बेस्ड हो क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बर्तन मोस्ट ऑफ द घरों में इंडक्शन ही यूज़ होता है। तो गाइस मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, सो फोर्थ थिंग विल बी चाय को छानने वाली जो हमारी टी स्ट्रेनर रहती है, छन्नी जिसे हम बोलते हैं, वो आपको ज़रूर लानी है। ये वो भी आपको यहाँ नहीं मिलने वाली। सो गाइस मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, सो नेक्स्ट कैटेगरी विल बी फूड। या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फूड आइटम्स जो आप साथ में कैरी कर सकते हैं जो यहाँ पे आपको इमीडिएटली नहीं मिलेंगी या बहुत आपको क्रेविंग होगी बट आपको यहाँ पे ढूंढने में मुश्किल होगी। अगर आपको भी मेरी तरह इंडियन थोड़ा मसालेदार खाना पसंद है तो यहाँ पे आप वो मिस करने वाले हैं। तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो आपको साथ में लाने हैं इंडियन मसाले। यस गाइस, इंडियन मसाले आपको ज़रूर साथ में लाने हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज़ आप स्नैक्स कैरी कर सकते हैं अपने साथ में जो कि आपको कभी भी अचानक भूख लगे तो आपके पास कुछ खाने के लिए हो। द थर्ड थिंग विल बी मैगी। यस गाइस, मैगी जो 2 मिनट में बन जाती है तो आपको वो भी साथ में कैरी कर सकते हैं। एंड द फोर्थ थिंग इज़ अचार। यस गाइस, यहाँ पे घर का बना हुआ अचार अगर आप ला सकते हो तो देट विल बी वेरी गुड। सो वो भी आपको बहुत सही रहेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, सो नेक्स्ट कैटेगरी विल बी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। जो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए क्योंकि जब आप लैंड करेंगे एयरपोर्ट पे तो आपको नेविगेशन के लिए फॉर कॉलिंग अदर्स के पास एक स्मार्टफोन होना तो बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंड थिंग विल बी लैपटॉप। या सो लैपटॉप भी आपको कैरी करना है साथ में। एंड द थर्ड थिंग विल बी हमें सभी चीज़ों के चार्जर ज़रूर साथ में लाने हैं। एंड फोर्थ थिंग इज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स में कि आपको इंडिया टू यूके एक अडेप्टर अलग यहाँ पे यूज़ होते हैं वो आपको साथ में ज़रूर कैरी करने हैं। अगर आपके पास वो अडेप्टर नहीं है तो आपको कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप यूज़ नहीं कर सकते जो हमारे इंडिया से हम यहाँ पे कैरी कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, पावर बैंक। यस गाइस, वाइल ट्रैवलिंग हम इतना फ़ोन और लैपटॉप यूज़ करते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए कि वो ऑफकोर्स डिस्चार्ज तो होगा ही, तो उसको चार्ज करने के लिए हमें पावर बैंक तो ज़रूर चाहिए। तो पावर बैंक जो ऐसी चीज़ है वो आपको ज़रूर ज़रूर ट्रैवल करते हुए रखनी है अपने पास में। मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, तो नेक्स्ट कैटेगरी में आता है बेडिंग। यस गाइस, तो बेडिंग में आपको एक चीज़ जो ज़रूर साथ में पैक करनी है वो है डबल बेड शीट्स। तो बेड शीट्स आप दो साथ में कैरी कर सकते हैं
और हो सके तो एक पतला वाला ब्लैंकेट भी आप कैरी कर लो, अगर आपके पास में उतना बैगेज अलाउंस है तो इट विल बी गुड। पिल्लो तो ऑफ कोर्स आप साथ में कैरी नहीं कर सकते, पिल्लो के बिना तो आप मे बी एडजस्ट कर सकते हो, बट बेडशीट तो आप ज़रूर रखिए और ब्लैंकेट तो ज़रूर रखिए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, सो नेक्स्ट कैटेगरी विल बी मेडिसिन। सो गाइस, यूके में हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल ही डिफरेंट है, इंडिया के तरह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे पहले तो आपको NHS, यहाँ पे नेशनल हेल्थ सिस्टम है जो NHS जिसको हम बोलते हैं, तो उसके साथ हमें पहले रजिस्टर करना होता है एंड सब प्रोसेस को बहुत टाइम लगता है। सो बिना NHS रजिस्ट्रेशन के बिना आपको कोई भी मेडिसिन आप नहीं ले सकते किसी भी फार्मेसी से, और विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो इट विल बी बेटर अगर आप कॉमन मेडिसिन अपने साथ कैरी कर सकते हैं, जैसे कि हेडेक, कोल्ड, थ्रोट और इन्फेक्शन एंड स्टमक स्टमक के लिए कुछ मेडिसिन ले सकते हैं, और हेडेक की पैरासिटामोल आप साथ में कैरी कर सकते हैं। तो सो ये सब मेडिसिन आपको हैंडी रखनी है क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली हैं यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे आपको मेडिसिन लेना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, जो कि एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसमें आपको बहुत टाइम लगने वाला है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट कैटेगरी इज़ क्लोथिंग। यस, क्लोथिंग में आपको, अगर तो आप स्टूडेंट हो या फिर आप ऑफिस जाने वाले हो, तो आपको फॉर्मल कपड़े तो ज़रूर साथ में कैरी करने हैं। फॉर्मल में आप फॉर्मल शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स फॉर बॉयज़, टू पेयर्स रख सकते हैं। गर्ल्स के लिए फॉर्मल ऑफिस वेयर आप ड्रेसेस रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे यूके में भाई बहुत ठंड पड़ती है, यहाँ पे मौसम मोस्ट ऑफ द टाइम ठंडा ही रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको आपको एक जैकेट तो ज़रूर रखनी है अपने साथ में, थर्मल सेट तो आप ज़रूर लेके आइए साथ में। यहाँ पे क्लोथिंग का प्राइस बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो आप इट विल बी बेटर अगर आप थर्मल कैरी कर सकते हैं साथ में एक पेयर। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट विल बी ट्रेडिशनल वेयर। यस गाइस, यहाँ पे ट्रेडिशनल वेयर आपको ढूंढने पे बहुत मुश्किल मिलने वाला है, और जो कि बहुत बहुत कॉस्टली होने वाला है। तो इट विल बी बेटर कि अगर आप साथ में कैरी कर सकते हैं आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अगर आपको साड़ी लेनी है या सूट लेना है, पंजाबी सूट लेना कैरी करना है, या फिर साड़ी कैरी करनी है, या कुर्ता पजामा लेके आना है, या लहंगा वगैरह लेके आना है, तो इट वो आप सब इंडिया से लेके आइए, यहाँ पे आपको बहुत मुश्किल होगी। सो गाइस, मैंने सभी टॉपिक ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं, सो मेक श्योर आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखें जब आप ट्रैवल करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियो, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।